हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस मौके पर देश ही नहीं पूरी दुनिया आज योग कर रही है। पीएम नरेंद्र मोदी रांची में लोगों के बीच पहुंचे। आपको बता दें, साल 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई, तब से पूरी दुनिया में योग का डंका बज रहा है। रांची में प्रधानमंत्री मोदी का 45 मिनट का कार्यक्रम हुआ। पिछले साल योग दिवस पर मोदी ने 55,000 लोगों के साथ उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में योगासन किया था। योग दिवस के शुरुआती साल में प्रधानमंत्री ने दिल्ली में योग किया। योग दिवस के मौके पर पीएम मोदी 2016 में चंडीगढ़ में लोगों के बीच रहे और साल 2017 में लखनऊ में प्रधानमंत्री ने योग किया। योग दिवस पर सिर्फ पीएम मोदी नहीं बल्कि उनके कैबिनेट के मंत्री भी लोगों के बीच पहुंचे। आज भारत के साथ साथ पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश में मंत्री, बॉलीवुड सितारे, जवान, हर कोई योग कर रहा है। मोटू पतलू कार्टून करेक्टर हैं और छोटे बच्चों में काफी फेमस है। ना सिर्फ टीवी कार्टून बल्कि सोशल मीडिया पर भी उनके वीडियो और मीम काफी वायरल होते हैं। साथ ही देखकर उन्हें इस बार कार्यक्रम का हिस्सा बनाया गया ताकि छोटे बच्चों तक योग दिवस का मैसेज पहुंच सके और हर कोई इसे अपने जीवन में उतार सके। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश भर में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री समेत अन्य केंद्रीय मंत्री भी योगासन कर चुके हैं। दिल्ली में भी वीआईपीस का जमावड़ा देखा गया। योग दिवस को ध्यान में रखते हुए दिल्ली मेट्रो की सभी सेवाएं सुबह 4 बजे से शुरू कर दी गई थी। ये जानकारी पहले दिल्ली मेट्रो ने ट्वीट कर दी थी। 6 बजे तक प्रत्येक आधे घंटे के अंदर से मेट्रो चलेगी, इसके बाद नॉर्मल सर्विस शुरू हो जाएगी। योग करने के मामले में देश के जवान भी पीछे नहीं रहे। उत्तरी लद्दाख में भारत तिब्बत पुलिस बॉर्डर के जवानों ने 18,000 फीट की ऊंचाई पर योग किया। लद्दाख में भारतीय सेना के जवानों ने सबसे कम टेम्परेचर में योग किया। जवानों ने -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में खड़े रहकर योग किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रोन गिराए जाने को लेकर ईरान को खुली चेतावनी दी है। ट्रंप ने ट्वीट कर कहा, ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ट्रंप के इस कम अक्षरों वाली चेतावनी को बड़ी कार्रवाई का इशारा माना जा रहा। ट्रंप के सख्त लहजे से समझा जा रहा है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ कुछ बड़ा कर सकता है। पेंटागन ने दावा किया कि ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में ड्रोन गिराया। ट्रंप ने पेंटागन की रिपोर्ट को आधार बनाकर ईरान को यह धमकी दी है। अमेरिका और ईरान दोनों ने स्वीकार किया कि ईरानी सुरक्षा बल ने अमेरिकी सैन्य निगरानी ड्रोन को मार गिराया है, लेकिन दोनों ने इस बारे में अलग अलग जानकारी दी है। भिवानी में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हिम्मत करोगे तो सरकार अपनी होगी। दुष्यंत ने लोकसभा में बीजेपी की शानदार जीत को राहुल की कमजोरी करा दिया। साथ ही बीजेपी के मिशन 75 बार को घमंड करा देते हुए कहा कि ऐसा ही घमंड 1984 में कांग्रेस को हुआ था, लेकिन सीट केवल 5 ही आई थी। बता दें कि गुरुवार को दुष्यंत चौटाला भिवानी के देवीलाल सदन में जिला कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे थे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाते हुए बीजेपी पर जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का उम्मीदवार मोदी का पर जीता है। साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में हालात लोकसभा चुनाव से अलग होंगे। अकाली दल को लेकर अभय चौटाला का बड़ा बयान सामने आया। अभय ने कहा कि अकाली दल ने हमें नहीं, हमने उनको छोड़ा। हरियाणा के हक का पानी अकाली नहीं देना चाहते थे। कांग्रेस में फिर एक बार खुलकर गुटबाजी सामने आने लगी है। सोनीपत में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर के समर्थन में भावी सीएम के पोस्टर लगाने के बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। पूर्व बिजली मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि जो भी कांग्रेसी अपने आप को भावी सीएम कहता है वो कभी पार्टी का हितैषी नहीं हो सकता। हमारी पहली प्राथमिकता लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के हार की समीक्षा करना होनी चाहिए। कैप्टन अजय यादव ने रविंद्रजीत सिंह को निशाने पर लेते हुए कहा कि इन्होंने मनेठी में एम्स की घोषणा कर क्षेत्र की जनता को चुनाव में छलने का काम किया। इस मौके पर उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री रविंद्रजीत के इस्तीफे की भी मांग की।
उधर प्रदेश में प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी के चलते मरीजों का इलाज करना भी मुश्किल हो गया। ऐसा ही मामला बहादुरगढ़ के ब्रह्मशक्ति संजीवनी अस्पताल से सामने आया। सहरसा में भी शहीद भगत सिंह स्टेडियम में योग दिवस का शुभारंभ हुआ, जहां पर बड़ी संख्या में योग समारोह में लोग भाग लेने पहुंचे। योग का सिलसिला फरीदाबाद में भी जारी रहा, जहां लोगों ने योग दिवस पर अपनी उपस्थिति दर्ज की। पांचवें योग दिवस के मौके पर विश्वभर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर रेवाड़ी में अनोखी पहल की गई। यहां तोलाराम स्टेडियम में विशेष योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां रेवाड़ी सुधार गृह में बंद कैदियों को तनाव मुक्त रखने के लिए योग के आसन बताए गए। इस दौरान सुधार गृह में बंद कैदियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर जेल अधीक्षक नरेश कुमार गोयल भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का मकसद सुधार गृह में बंद बंदियों को तनाव मुक्त रोग मुक्त रखकर एक अच्छे नागरिक बनाना था। गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भीषण बस हादसा हुआ। इस दुर्घटना में अब तक 44 लोगों की मौत हुई है। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। घायल हुए लोगों का इलाज स्थानीय अस्पताल में जारी है। दुर्घटना पर राष्ट्रपति कोविंद और पीएम मोदी ने शोक जताया। पंचकुला में एक नाबालिग रेप पीड़िता ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि पुलिस ने टॉर्चर करके उसका बयान बदलवाया है। पीड़िता के मुताबिक उसके साथ पांच युवकों ने गैंगरेप किया, जिसमें से पुलिस ने चार आरोपियों को छोड़ दिया, जबकि सिर्फ एक ही आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पीड़िता के मुताबिक वो 4 महीने की गर्भवती है और पुलिस दबाव बनाकर उसका गर्भपात करवाना चाहती है। कैथल में पुलिस ने नकली पुलिस बनकर लोगों को ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस के मुताबिक ये लोग 2000 और 500 के नोट के बदले 40% ज्यादा छोटे नोट देने की बात कहकर लोगों को ठगने का काम करते थे। लोगों ने एक दूध डेयरी के मालिक से 6 लाख रुपए की ठगी की थी। इस मामले की शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही इस गिरोह के अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी की छापेमारी की जा रही है। प्रदेश में आदिन पानी की समस्या को लेकर तस्वीरें सामने आ रही है। ताजा मामला भिवानी के भामला गांव से सामने आया है। यहां पानी की समस्या से परेशान लोगों ने दिल्ली पिलानी हाईवे पर जाम लगा दिया। लोगों में इतना गुस्सा था कि पुलिस से समझाने के बाद भी वो सड़कों से नहीं हटे। इसके बाद भिवानी सदर और सिटी थाने के एसएचओ और बीडीपीओ ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समस्या का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। तब जाकर गुस्साए ग्रामीणों ने जाम खत्म किया। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 6 महीनों से पीने के पानी की समस्या बनी हुई है, लेकिन मामले में अब तक किसी ने संज्ञान नहीं लिया, जिस कारण उन्हें मजबूरी में परेशान होकर हाईवे जाम करना पड़ा। पलवल में बुजुर्गों को अपनी पेंशन बनवाने के लिए मेडिकल परीक्षण कराने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। दरअसल शिक्षा स्थानांतरण प्रमाण पत्र अनिवार्य होने के चलते बुजुर्गों को मेडिकल बनवाने के लिए घंटों लाइन में धक्के खाने पड़ रहे हैं। इसके बाद भी बुजुर्गों की पेंशन नहीं बन पा रही। बुजुर्गों का कहना है कि उनके साथ पहले कभी इस तरह की चीजें नहीं हुई। पहले उनकी जो पेंशन बनती थी वो उम्र के प्रमाण पत्र के आधार पर बनती थी, लेकिन अब प्रमाण पत्र होने के बाद भी उन्हें मेडिकल कराना पड़ रहा है। उनका कहना है कि मेडिकल के बाद भी उनकी पेंशन नहीं बन पा रही। वहीं इस मामले पर होडल से कांग्रेस के विधायक का कहना है कि सरकार बुजुर्गों का अपमान कर रही है। कांग्रेस ने बुजुर्गों की उम्र के प्रमाण पत्र के आधार पर पेंशन बनाई थी, लेकिन बीजेपी सरकार में बुजुर्ग पेंशन बनवाने के लिए धक्के खा रहे हैं। प्रदेश में मुआवजा बढ़ाने की मांग को लेकर किसानों की ओर से शुरू किया गया आंदोलन आखिरकार रंग लाया। दरअसल अधिग्रहण की गई जमीन का कम मुआवजा मिलने पर दादरी और झुलाना में किसानों ने आंदोलन शुरू किया था। इस आंदोलन की वजह से प्रदेश सरकार ने सभी जिलों के जिला उपायुक्तों को नेशनल हाईवे के लिए अधिग्रहित की गई जमीन के मुआवजे की समीक्षा करने के आदेश जारी किए हैं। इस समीक्षा से प्रदेश के 8 जिलों के किसानों को करोड़ रुपए का फायदा होगा। किसान नेता रमेश दलाल ने बताया कि प्रदेश भर में अब जमीन के कलेक्टर रेट रिवाइज किए जाएंगे। ये कलेक्टर रेट अब से साल में 2 बार रिवाइज होंगे। भारत भूमि बचाओ और संघर्ष समिति किसान संगठन की बैठक में सहमति बनी, इससे किसानों की जमीन का उन्हें उचित दाम मिल सकेगा।
बहादुरगढ़ के बेटे सक्षम अहलावत ने इंटरनेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में प्रदेश का नाम रोशन किया है। 11 से 16 जून तक हैदराबाद के गोचीबोली इंडोर स्टेडियम में इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में देश भर से आए खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई, जिसमें प्रदेश के लाल सक्षम अहलावत ने 78 किलोग्राम भार वर्ग की जूनियर प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल किया। इससे पहले भी सक्षम कई बार पदक जीत चुके हैं। इस मौके पर स्कूल प्रबंधन और अध्यापकों ने सक्षम अहलावत का जोरदार स्वागत किया। दिल्ली के कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन के पास भीषण आग लगी। आग फर्नीचर मार्केट में लगी। मौके पर दमकल विभाग की 17 गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। गनीमत यह रही कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि आग के कारण लाखों रुपए का फर्नीचर जलकर खाक हो गया है। साल 2008 से 2015 के बीच भारत में 1.11 करोड़ बच्चे अपना पांचवां जन्मदिन नहीं मना पाए। चौंकाने वाला तथ्य है कि इनमें से 62,40,000 बच्चे जन्म के पहले महीने में ही दुनिया छोड़कर चले गए। बच्चों की कुल मौतों में से 56% बच्चों की मौत नवजात अवस्था में ही हो गई, लेकिन 2006 से 2017 तक नवजात मृत्यु दर में 42% की गिरावट आई। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला आम बजट 5 जुलाई को पेश होने वाला है। बजट से पहले वस्तु एवं सेवा कर काउंसिल की बैठक आज होने वाली है। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। बैठक में ई इनवॉइस और सिंगल प्वाइंट रिफंड से जुड़े फैसले होने की उम्मीद होती है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर जीएसटी स्लैब कटौती भी की जाती है। बता दें कि जीएसटी काउंसिल की ये 35वीं बैठक होगी। जेट एयरवेज के शेयर में गुरुवार को 122% का भारी भरकम उछाल दर्ज किया गया। एसबीआई की अगुवाई वाली बैंकों के समूह ने जेट एयरवेज के मामले को एनसीएलटी भेजा है। न्यायाधिकरण ने कंपनी के खिलाफ दिवाला याचिका को स्वीकार कर लिया। उसके पीछे भारी शॉर्ट कवरिंग है। एनएसई पर शेयर 122.21% उछलकर 73.55 रुपए पर बंद हुआ। टारगेट इन्वेस्टिंग के फाउंडर समीर कालरा ने कहा कि सीरीज डेरिवेटिव्स में शॉर्ट कवरिंग ने शेयर को चाय दी, इसमें अभी और तेजी आ सकती है। विमानन कंपनी पर 8,500 करोड़ रुपए का कर्ज है और उसके कुल देनदारी 25,000 करोड़ रुपए है। जेट एयरवेज ने खराब वित्तीय हालत के बाद 17 अप्रैल को संचालन बंद किया था। शेयर बाजार में आज के शुरुआती कारोबार में गिरावट देखने को मिला है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आज करीब 7 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 39,608.25 पर खुला। सेंसेक्स अधिकतम 39,617.95 अंकों तक और उसके बाद से गिरावट देखने को मिली। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी आज 11,827.60 अंकों पर 4.15 अंकों की मामूली गिरावट के साथ खुला। आपको बता दें कि भारतीय रुपये आज 31 पैसे की मंदी के साथ $1 के मुकाबले 69.75 पर खुला। ऑस्ट्रेलिया ने नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज मैदान में बांग्लादेश को 48 रनों से हराया। बांग्लादेश काफी कोशिश के बाद भी 50 ओवर में 8 विकेट पर 333 रन ही बना पाया। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरन फिंच ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 381 रनों की तूफानी पारी खेली। डेविड वार्नर 147 गेंदों पर 14 चौके और 5 छक्कों की मदद से 166 रन बनाकर टूर्नामेंट में अभी तक सर्वोच्च स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बने। चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, उपविजेता न्यूजीलैंड, दो बार का चैंपियन भारत और पहली बार खिताब की आस लगाए मेजबान इंग्लैंड आगे का सफर तय कर सेमीफाइनल में पहुंच सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन के जल्दी स्वस्थ होने की कामना की है। पीएम मोदी ने कहा कि शिखर जल्द ठीक होकर मैदान में वापसी करेंगे। पाकिस्तान के हाथों इंग्लैंड की हार ने सबको चौंका तो दिया, लेकिन अब पाकिस्तान के लिए मुश्किल घड़ी आ गई है, क्योंकि अब पाकिस्तान को दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भिड़ना है। भारत से हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मोहसिन खान की छुट्टी हो गई है। उन्होंने पद छोड़ने की इच्छा पहले ही जताई थी, जिसे बोर्ड ने स्वीकार कर लिया। उनकी जगह वसीम खान लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारत पर अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स की मेजबानी पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया। भारत
अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स की मेजबानी कर सकेगा। खेल मंत्रालय ने आईओए को पत्र लिखकर कहा कि वो सभी देशों और खिलाड़ियों को भारत में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में हिस्सा लेने की अनुमति देगा जिन्हें आईओसी से मान्यता प्राप्त है। शाहिद कपूर की मच अवेटेड फिल्म कबीर सिंह फाइनली आज रिलीज हो गई है। फैंस को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार था। सिनेमा में टिकट घरों के बाहर लोगों की भीड़ जमा होने लगी। फिल्म में शाहिद कपूर ने नशेड़ी और गुस्सैल इंसान का किरदार निभाया। फैंस को उनका यह किरदार बेहद पसंद आ रहा है। सोशल मीडिया पर लोग उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ कर रहे हैं। कबीर सिंह को फैंस और क्रिटिक्स दोनों का शानदार रिस्पांस मिल रहा है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने इस फिल्म को शाहिद कपूर के करियर की बेस्ट फिल्म बताया है। बॉलीवुड में आजकल पुराने गानों को रिक्रिएट करने का ट्रेंड छाया हुआ है। इस बार बॉलीवुड का रोमांटिक एंथम माना जाने वाला सॉन्ग टिप टिप बरसा पानी रिक्रिएट होने जा रहा है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि इस बार इस पुराने गाने में कोई और नहीं बल्कि खुद खिलाड़ी कुमार ही नजर आने वाले हैं। जो यहां टिप टिप बरसा के रिमिक्स में अक्षय कुमार और एक्ट्रेस कैटरीना कैफ नजर आएंगे। अक्षय ने ट्विटर पर एक तस्वीर साझा करते हुए कहा, अगर किसी अन्य अभिनेता ने टिप टिप बरसा पानी को रिक्रिएट किया होता तो मैं सच में निराश हो जाता। ये गाना मेरा मेरे करियर का पर्याय बने हैं। रतन जैन जिन्होंने मूल गाने के अधिकारों को खरीदा था वो अक्षय के साथ अपने 30 साल लंबे संबंध के कारण गाने में भागीदारी के लिए तैयार हो गए हैं, जिसके लिए अक्षय ने उनका धन्यवाद भी किया। यह गाना अक्षय कुमार की अगली फिल्म सूर्यवंशी के लिए फिल्मा जाएगा। सूर्यवंशी अक्षय की रोहित शेट्टी के साथ पहली फिल्म है। फिल्म में अक्षय कटरीना भी 10 साल बाद साथ आ रहे हैं। फिल्म 27 मार्च 2020 को रिलीज होगी। 16 जून को भारत पाकिस्तान मैच के बाद एक्टर रणवीर सिंह ने ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के साथ तस्वीर शेयर की थी। तस्वीर के साथ कैप्शन में रणवीर ने ईट स्लीप डोमिनेट रिपीट लिखा था। रणवीर के इस कैप्शन को पढ़ते ही WWE के जाने माने पहलवान ब्रॉक लेसनर के वकील पॉल हेमन ने रणवीर सिंह को कानूनी नोटिस भेज दिया है। हेमन का दावा है कि रणवीर सिंह ने उनके क्लाइंट के खास वाक्य का प्रयोग करके उनके कॉपीराइट का उल्लंघन किया है। हालांकि इस नोटिस पर अभी रणवीर की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। दो दिन पहले फिल्म अर्जुन पटियाला के पोस्टर्स रिलीज किए गए थे, उसके बाद से लोग फिल्म के ट्रेलर का इंतजार कर रहे थे और अब फाइनली ये इंतजार भी खत्म हुआ और ट्रेलर को रिलीज कर दिया गया। कृति दिलजीत और वरुण शर्मा के इस फिल्म का ट्रेलर बेहद ही रोमांचक है। ट्रेलर में एक से बढ़कर एक मजेदार सीन है। वरुण और दिलजीत फिल्म में पुलिस वाले बने हैं जबकि कृति का किरदार एक रिपोर्टर है। अब खड़ूस बूढ़े बने नजर आएंगे अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना। फिल्म कोलाबो सताबो के ऐलान के बाद से फैंस के बीच खुशी की लहर दौड़ गई थी। आयुष्मान और अमिताभ को साथ देखना सच में दिलचस्प होगा और सुजीत सरकार की बदौलत हम इन टैलेंटेड एक्टर्स को एक ही फिल्म में जल्द देखेंगे। फिल्म गुलाबो सिताबो की शूटिंग लखनऊ में शुरू हो चुकी है। अमिताभ ने ट्विटर पर अपने फैंस को इस बारे में जानकारी दी और अपने लुक के बारे में भी टीज किया। तरण आदर्श ने ट्विटर पर यह लुक शेयर किया जिसमें अमिताभ बड़ी दाढ़ी के साथ चश्मा लगाए देखे जा सकते हैं। उनकी नाक को प्रोस्थेटिक्स से अलग बनाया गया है। बच्चन यहां काफी खड़ूस नजर आ रहे हैं।